मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के 6 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 20 से 30 सितंबर तक आयोजित आयुष्मान पखवाड़ा सतना और इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को लाभान्वित करेगा। इस अभियान के तहत पात्र व्यक्तियों, विशेषकर 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड के लिए नामांकन किया जाएगा और निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाए जाएंगे, जिससे दूर दराज के गाँवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाई जा सके। पंचायतों और ग्राम सभाओं में जागरूकता फैलाने के लिए सामुदायिक चर्चाएं, स्वास्थ्य प्रतियोगिताएं और मैराथन जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे युवाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़े। साथ ही योजना के सफलता में योगदान देने वाले स्थानीय अस्पतालों, आशा कार्यकर्ताओं और अन्य हितग्राहियों को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जनता को मिलने वाले लाभों की अधिक जानकारी के लिए लोकल 18 की टीम सतना के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से बातचीत करने पहुंची। मैं डॉक्टर एल के तिवारी, CMHO सतना हूं। सभी को नमस्कार। के बारे में पखवाड़ा मनाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी, जिसका 6 वर्ष पूरा सफलतापूर्वक संचालन हो, इसी के उपलक्ष्य में हम पखवाड़ा मंगाएंगे 20 सितंबर से 30 सितंबर तक। इस पखवाड़े के दौरान हम ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर के विभिन्न तरह की कार्रवाई करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से जो आम जनता को सीधे फायदे पहुंचाएगी, 70 साल से ऊपर वालों का भी कार्ड बनाना प्रारंभ करेंगे, जिनके अभी कार्ड आयुष्मान कार्ड बनना रह गए हैं उनके कार्ड बनाए जाएंगे, बहुत सारे कार्ड को लिमिटेड कार्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन करना था वो भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इससे स्कीम से क्या क्या लाभ होते हैं इसकी जानकारी हम प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र करेंगे। इसी के तहत आज हमने जिला मुख्यालय पर सारे कर्मचारियों ने शपथ भी ली है और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शपथ में सब लोगों ने कहा है कि हम स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा हमारी धन है, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इस दौरान हम कुछ हॉस्पिटल भी चिन्हित करेंगे, जिससे लोगों को आयुष्मान भर्ती होकर जो लाभ मिलता है वो लाभ हो पाएगा। सर, किन किन प्रमुख हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया जाएगा इसमें? अभी प्रमुखता है, 3 हॉस्पिटल ने आवेदन किया है, एक दिवित हॉस्पिटल हार्ट हॉस्पिटल है, दूसरा एक पाठक सर्जिकल हॉस्पिटल, एक सार्थक हॉस्पिटल है। इसके अलावा हमारे पहले से यहाँ पे 3 हॉस्पिटल चिन्हित है। क्या किन्हीं क्षेत्रों में शिविर या कैंप भी लगाए जाएंगे? हाँ, प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, हेल्थ वेलनेस सेंटर जो होते हैं हमारे, वहाँ पर शिविर ले जाएंगे। शिविर के में सभी जो 20 साल से ऊपर वाले जो पेशेंट होते हैं, खासकर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग की जाएगी, उनको औषधि का वितरण किया जाएगा। पूर्व से ही जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 2 इसके नोडल ऑफिसर हैं, इसके अलावा हमारा पूरा सेक्शन है, एक सेक्शन प्रभारी में हमारे 2 लोग कार्यरत हैं और सभी BMO अपने अपने ब्लॉक के आयुष्मान भारत योजना के संचालन हेतु नोडल है। लोकल 18 के लिए शिवांग द्विवेदी की रिपोर्ट, सतना।